so hello everyone this video is very very important for the people those who are going to be giving their exams in may 24 because here i am going to be helping you out to prepare your entire study plan and mark my words if you are going to be following the study plan no one can stop you to clear the exams provided you follow the study plan which is there now what we are going to be doing here is that we are going to be helping you out to understand how to prepare a good study plan

फाइल में जाने के बाद यहाँ से आप इसको आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है उसको डाउनलोड कर लेना है एक्सेल में ठीक है सो दैट यू कैन जस्ट यूज इट इट यूटिलाइज आउट यू ओनली मोड पे ही आपको फाइल मिलेगा अब नेक्स्ट थिंग यू अगेन नीड टू डू इज दैट सबसे पहले आपका जो नाम है उसके बाद लिख देने का राइट right? सी के बाद आपका नाम लिख दो जो भी आपका नाम है ताकि एटलीस्ट आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आए ठीक है आफ्टर दिस इज डन मैंने आज का डेट डाला है फॉर्मूला डाला हुआ है टूडे राइट और उसके बाद डाला है एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड जो रहेगा मेरा मई से चालू होने वाला है तो दैट इज समथिंग विच प्लॉटेड इट आउट नेक्स्ट थिंग राइट कि हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं डेली ठीक है तो एग्जाम डेज माइनस टूडे डेट इज नथिंग बट वॉट नंबर ऑफ आर्स विच आई कैन स्टडी So if I, if I 8 day, तो इमेजिन तो नाइन आर के हिसाब से आ जाएगा एवरी डे सो मेरा पढ़ाई कितना होगा इतने घंटे का मेरे पास अवेलेबल है सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लान एवरीथिंग इन आर्ली बेसिस सो दैट वी नो कि हमें कितना टाइम लगेगा और कितनी चीजें करनी है तो आफ्टर दिस इज डन वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल एक गुरु मंत्र है जो आपको हेल्प करेगा काफी लोगों के लेक्चर्स बचे हुए हैं लॉट ऑफ लेक्चर्स सो वॉट यू गाइज नीड टू डू सबसे पहले आप प्लॉट करो कि आपको कितना टाइम लगेगा लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए या फर्स्ट रीडिंग खुद से जब हम पढ़ते हैं ना जो फर्स्ट रीडिंग होता है उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल सर मेरा एफ आर बचा है सत्तर घंटे का देखने का तो वो लिख दो एस एफ एम हो गया है तो जीरो ऑडिट बचा है डी टी वन फोर्टी आवर्स का बचा है आई डी टी मेरा आ, हो गया है और इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन जो है वो मेरा अप्रोक्सीमेटली पचास घंटे लगेंगे ठीक है सर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन को कैसे पढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ना रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे और मटेरियल कहां से मिलेगा और क्वेश्चन बैंक को मैं कोशिश कर रहा हूं कोलेक्ट करके आपको दे सकू सर आपके लेक्चर्स आने वाले हैं बी एस के आई के यार टू बी ऑनेस्ट मेरे लेक्चर्स नहीं आएंगे बट हाँ मैं आपको हेल्प करूंगा इन टर्म्स ऑफ सम रीडिंग मटेरियल एंड स्टडी नोट्स बचा दे मेरे लेक्चर्स आने वाले सी ए फाइनल ऑडिट के लिए जिसके लिए अगेन आई एम गोन पुटिंग लॉर्ड ऑफ रिविजन द मंथ ऑफ फरवरी विचेस ठीक है तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट था अब आते हैं हैं आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा एक से हाँ, तो after this is done, एक सेकंड दीजिए यस तो आफ्टर दिस इज डन बार ये हो गया अब आगे बढ़ते हैं हमें समझना है कि फर्स्ट रीडिंग में मेरे को कितना टाइम लगेगा तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने अप्रोक्सीमेटली आपके लिए टाइमलाइन डाल के रखी है तो सिर्फ एक्जाम्पल मुझे लगेंगे वन ट्वेंटी आवर्स फॉर एफ आर हंड्रेड आवर्स फॉर एस एफ एम ऑडिट के लिए सिक्सटी डी टी के लिए वन फिफ्टी आई डी टी के लिए वन ट्वेंटी और इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन के लिए फिफ्टी सेकंड रीडिंग को कितना टाइम लगेगा सिमिलरली आई प्लॉटेड इट आउट हाउ मच टाइम आई एम गोना बी नीडिंग इट आउट थर्ड मॉक टेस्ट के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा वो मैंने डाल दिया आरटीपी के लिए मैंने कितना टाइम लगेगा वो डाल दिया फिर मैंने टोटल नंबर ऑफ आर्स प्लान कर दिया कि मेरे को इतने नंबर ऑफ आर्स की स्टडी लगेगी इफ आई वॉन्ट टू क्लियर दिस सी फाइनल एग्जामिनेशन और मेरे नाम के आगे जब सी आ जाए तो आफ्टर दिस इज डन मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ आर्स नीडेड है ना और नंबर ऑफ आर्स अवेलेबल वो एक बार आपके लिए प्लॉट कर दिया कि भाई कितने आर्स अवेलेबल है और कितने आर्स है डिफरेंस ठीक है उत्या मेरे को 24 घंटे में शॉर्ट पढ़ रहा हूं अब आते हैं डेली प्लानिंग शीट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको कोशिश करना है कि आप प्रिंट आउट लेके आपके स्टडी टेबल के सामने रखें तो रखेंट यू गेज आर बी डूइंग से देखो तो मैंने यहाँ पे वीलिकॉप से फॉर्मूला से उठा लिया पूरे फॉर्मूला ड्रिवन शीट बना के रखी आपके लिए बहुत बढ़िया तो से फॉर एग्जाम्पल एफ मेरे को पढ़ना है टू आवर्स राइट और ये मेरा जो प्लानिंग था वो मैंने प्लानिंग इधर डाल दिया है ठीक है तो ये आप प्लानिंग को इधर डाल देना सो दैट यू नो हाउ मच यू नीड टू स्टडी नो एवरी डे प्लान इज प्रिपेयर सो वट यू गाइस अगेन नीड टू डू राइट वट यू गाइस अगेन नीड टू डूफर एग्जाम्पल मैंने ट्वेंटी थर्ड से आपका प्लान स्टार्ट किया है तो सो दट आपनेपल आज वीडियो देख रहे हो कल वीडियो देख रहे हो तो कैन तो चेंज इट आउट अकॉर्डिंगली अब आपको प्लॉट करना है कि से फॉर एग्जाम्पल मैं दिन में तीन सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ

तो देखो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आर्ट डन फॉर एफ आर टू पॉइंट फाइव ठीक है पूरा फॉर्मूला ड्रीवन शीट है मान लो मैंने बोला कि अब उसके बाद मुझे पढ़ना है ऑडिट राइट बस स्पेलिंग से ही लिखना जैसे मैंने ऑडिट लिखा देखो यहाँ पे ऑडिट के भी आर्स फिल होना स्टार्ट हो गए फिर मैंने बोला कि नहीं यार अब मेरे को डी पढ़ना है तो दिन में मैं तीन सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ राइट और उसके यहाँ पे आर्स अपने आप फिल होते जा रहे हैं कि आपके कितने घंटे की प्लानिंग डन हो गई है अब आपको क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपको जो मैं शीट दूंगा इसको आपको प्रिंट मारना है प्रिंट मारने के बाद ध्यान से देखो प्रिंट मारने के बाद आपको क्या करना है जो भी आपको शीट दिख रही है स्क्रीन पर वट एवर आर बी डूइंग ये इसको आपको प्रिंट आउट लेके लगा देना है अपने स्टडी टेबल में ये पूरी शीट आप फिल करेंगे ये कब तक के हैं आपके एग्जाम्स तक के अब ये पूरी शीट को फिल करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वट एवर आर शू स्टडी मार्केट आउट योर तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान किया था कि आई स्टडी फॉर नाइन आवर्स और एट आवर्स अ डे राइट मैंने प्लान किया कि भाई मैं आज रोज आठ घंटे पढ़ूंगा अब जैसे आपने आठ घंटे पढ़ लिया उसको आपने एफ पढ़ लिया तो एफ के सामने टिक कर दीजिए राइट ऑडिट पढ़ लिया तो ऑडिट के सामने आप टिक कर लीजिए ड्यूटी पढ़ लिया तो ड्यूटी के सामने टिक कर लीजिए और जितने घंटे पढ़ा है यहां पे आप टाइम लिख दीजिए कि मैंने सात घंटे पढ़ा पढ़ाया आठ घंटे पढ़ा है इससे आपको डेली ट्रैक रहेगा और आपको गिल्ट फील होगा कि मान लो यार आज मैंने ऑडिट पढ़ा ही नहीं तो इसको आप क्रॉस कर देना प्रिंट आउट पे ठीक है ताकि आपको फील होगा कि यार मैं जेन्यूनली पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ दिस इज गॉन भी हेल्पिंग यू टू चेंज योर गेम अब पूरी शीट कैसे बनाना इसको पूरा टैली कैसे करना बहुत बढ़िया तरीके से हम टैली करेंगे इसको देखो सबसे पहले मेरे को एफ कितना पढ़ना है सेवेंटी आवर्स राइट अब मैं मैंज्यूम कर रहा हूं कि हम संडे को पढ़ाई नहीं करेंगे संडे को ढेर सारी मस्ती भी करेंगे तो आप एफ आर एफ आर में ज़्यादा पूरी शीट में एफ आर एफ आर लिखते जाइए जब तक ये इसका टोटल सेवेंटी नहीं होता है राइट right? और अगर आपको चाहिए तो इक्वल टू सेवेंटी डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव करके देख लो तो कितना आता है अट्ठाइस तो अट्ठाइस बार मुझे एफ लिखना दिवाग है तो मैं अभी एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर डालते जाऊंगा ठीक है तो जब तक ये सेवेंटी आर्स के आसपास नहीं हो जाता मैं एफ आर डालते जाऊंगा ठीक है लेट्स सी कितने आर्स हो गए एफ आर के अभी मेरे पास है ना प्लानिंग था डन सेवेंटी आवर्स हो गया मैंने प्लॉट कर दिया इसको पूरा फॉर्मूले लगे हुए फॉर्मूले को चेंज मत करिएगा आपका प्लानिंग हो गया सेवेंटी आवर्स का राइट मैंने एफआर प्लान कर लिया कि भाई मेरा एफआर जो खत्म होगा वो खत्म होगा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर तक के राइट right? इस तरीके से आप अपने हर एक सब्जेक्ट्स का प्लान कीजिए इंड मार्क माई द टाइम यू प्लान इट आउट एंड ऑफ द डे आपका ये पूरा शीट रेडी हो जाएगा यू बी रियली हैप्पी दैट कि हाँ सर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो थोड़ा सा मान लो भी इसको मैं ड्रैक कर देता हूँ ऑडिट और ड्यूटी के लिए तो आपको ये भी टेली करके दिखा सकता हूँ मैं कुछ नहीं है एकदम सिंपल है रॉकेट साइंस नहीं है राइट right? आपको जस्ट सब्जेक्ट्स लिखते जाना है जब जो जो पढ़ रहे हो और उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेके अपने टेबल पे लगा देना है ठीक है यस yes. तो ये प्लानिंग आप अगर आप फॉलो करते हो ना तो कि दुनिया में किसी भी माई के लाल में दब नहीं कि तुमको रोक सके कि भाई मैं पास नहीं हो सकता इस टाइम में बिल्कुल पास हो जाओगे आप मचा दोगे दैट इज गोना बी देर जैसे अब ऑडिट मैंने प्लान किया था कितना एटीआर सेवेंटी आर्स का प्लानिंग हो चुका है ठीक है एटी आर्स ऑडिट डन ठीक है तो ऑडिट ऑडिट मेरा एटीआर का प्लानिंग हो चुका है डी टी एटी फोर का हुआ है इस तरीके से आप उसको प्लॉट करते जाइए जैसे जैसे सब्जेक्ट टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं उसको चेंज करते जाओ अब मैं क्या करूंगा राइट right. सबसे पहले इमेजिन मैं अपना नाम चेंज करूंगा यहाँ पे सी के आगे यहाँ पे अपना नाम लिख दो सी ए शिवम पलन है ना यस मे ट्वेंटी फोर अब ये हो गया अब इसको मारो प्रिंट ठीक है सिलेक्शन हो गया अब इस तरीके से मेरा ये प्रिंट हो गया नाउ इमेजिन दैट व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट आउट सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे इसको यूज करना है ठीक है एक सेकंड दीजिए तो ये मेरा अब प्लान ओपन हो गया ऑडिट का सॉरी ये मेरा प्लान हो गया पूरा स्टडी फाइनल सी फाइनल के एग्जाम्स का वीड टू डू राइट इसको जैसे मैंने प्रिंट किया अब यहाँ पे आप इसको लिखते जाना कि मैंने कितने घंटे पढ़ा और ऑडिट पढ़ लिया तो इसको टिक मार देना नहीं पढ़ा तो क्रॉस मार देना इस तरीके से आपका एकदम ही डिटेल्ड प्लान रेडी हो गया है फॉर द एग्जामिनेशन इंटरेस्ट मी द टाइम यू फॉलो इट आउट यू रियली थैंक मी आउट फॉर दिस ठीक है इसके साथ साथ इस चैनल के साथ बने रहिए बिकॉज लॉट ऑफ अपडेट फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन other details study plan motivation guidance related to uh, all the things out is going to be covered here इसके साथ साथ ऑडिट के रिविजन लेक्चर्स भी आएंगे ऑडिट का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए so that, that is going to be helping you out मैं ये शीट और चीजें आपको शेयर कर दूंगा कहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी फाइल लिंक मिल जाएगा ठीक है गाइस बढ़िया से पढ़िए रुकना नहीं है टेंशन न मत लीजिए मे 24 में फोड़ेंगे इस बार और जो भी हेल्प चाहिए जरूर मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में